चनियोट DHQ अस्पताल में इंसुलिन ना होने की वजह से मरीजों के साथ सोशल वर्कर भी मुतासिर, दूसरी जानिब रेडियोलॉजिस्ट भी ताहाल तैनात ना हो सका। इंतजामिया के लिए सवालिया निशान इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे कैसर वीनस। जी आगाह कीजिएगा कैसर वीनस, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैक्सिम मौजूद हूँ चलिए स्टेट हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे मरीजों की सहूलियात का मुद्दा होने की वजह से यहाँ पे इंसुलिन गायब है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो जेल और हमारे साथ हवाले से वो भी कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी बात सुनें, सबसे पहले तो मरीज साहब को मेरी मुबारकबाद है, वो विद्यालय बन गई है। खैर से तो बात यह है कि मैं अपने विद्यालय से ये इस्तेदाद है मेरी कि इंसुलिन रोज़मर्रा की चीज़ों में आती है, हर पाकिस्तानी दूसरे को जो है ना वो शुगर है। तो ये जो है एक डेढ़ महीने से तकरीबन महीना सवा महीना इतना हुआ, ये बिल्कुल नापैद है और लोग इतने परेशान हैं। हर दूसरा बंदा चिन्नौर में मुझे मामू के नाम से याद किया जाता है, मामू शाह है, तो हॉस्पिटल में जो है ना क्यों कमी बेशक है। और दूसरा ये है मेरा, मैं तो बेटी कह सकता हूँ, जब तो नवाज़ शरीफ की बेटी है, मेरी भी बेटी है मरियम नवाज़, तो बेटी मेरी बात सुन रहे, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है DHQ चिन्नौर में। रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर FCPS या जो भी उसकी वो सीट है वहाँ पे वो नहीं है, सिर्फ एक्सरे करने वाले मौजूद हैं या दूसरे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो बात यह है कि एक इंसुलिन तो घंटों में भेज दी जाए, लेकिन जो रेडियोलॉजिस्ट वाली बात है वो 2-4 दिन उसको बर्दाश्त किया जाता है, इंसुलिन का तो 1 मिनट के लिए। अंदर जो है इंसुलिन नायाब होने की वजह से शहरी जो है बिल्कुल जीरे फार चुके, जबकि दूसरी जानब जो है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की बात की जाए तो वो भी ना होने की वजह से यहाँ पे जो है शहरी जो है जीरे फार चुके, जबकि मरीजों को मेडिकल ऑफिस की खातिर जो है उसको शहरों का रुख करना पड़ता है। जबकि शहरियों ने अरबाब अख्तियार वजीर अला पंजाब से अपील की है कि फौरी पटोरी जबकि इंसुलिन फराम की जाए और जो है रेलवे स्टेशन दायर किया जाए। जी।